हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने चल रहे हैं आपकी क्वेरीज रिगार्डिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने कंसेप्ट डिस्कस करे, आज के इस वीडियो में आपकी जो क्वेरीज है लाइक सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ट्रीटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही बताएंगे आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता कैसे है। सेकंड नंबर पर आपकी जो क्वेश्चन से क्वेरीज आई हैं, कुछ बैलेंसेस वो पॉइंट वो डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा जो जून अटेम्प्ट में हमारा एग्जामिनेशन हुआ था उसका जो क्वेश्चन आया था। बहुत सारे बच्चों कमेंट थे सर इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8 और मोस्टली लोगों ने कमेंट करा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, क्योंकि कल की वीडियो में अकाउंट नहीं बताया था बट आपको ट्रिक दी थी जो सब्सक्रिप्शन को समझने में इजी थी। तो ये सारी चीज़ आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट से। तो जरा ध्यान से देखना चीज़ों को, जो चीज़ लिखूंगा आप मेंशन कर लेना साथ में। पहले मैं आपको बताने वाला हूँ सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनता कैसे। देखो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि पर्पस क्लियर हो, बनाना क्यों है सर, है ना, जिससे रट्टाफिकेशन को हम दूर कर सकें। सीए लेवल पे आपका जो मेन फोर्स होना चाहिए वो इसी बात पे होना चाहिए, हाउ तो हो जाएगा, वाई क्यों करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो जरा देखो, सब्सक्रिप्शन की जब हम बात करते हैं तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम का सोर्स है जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं। अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो आपको ध्यान होगा कल आपको मैंने ट्रिक भी दी थी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारा ट्रीटमेंट होता कैसे था। हम सिंपली लिखते थे बाई सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे वो अमाउंट मेंशन करते थे जो पैसा हमें रिसीव हुआ है। अब उसमें हम करते क्या थे, कल मैंने आपको बोला था आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको क्या कर देना है, प्लस करना है, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग आपको माइनस कर देनी है। ट्रिक बहुत अच्छी थी, आप सबको फटाफट से समझ में आ गया था। और क्या ध्यान रखो, आउटस्टैंडिंग एट द एंड यहाँ प्लस हो रहा है तो एडवांस एट द एंड क्या होगा सर, माइनस होगा, और एडवांस एट द बिगिनिंग क्या होगा, प्लस होगा। तो ये बहुत ही इजी हो गया था आपकी समझना कि हाँ करना तो ऐसे है, बट अब एक क्वेरी आती है ऐसे क्यों करना है। आप में से बहुत कम लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था, बट मैं आपको रीज़न भी देता हूँ। ट्रिक तो आपने समझ ली कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिमाग में रखेंगे, अगर वो प्लस होता है तो उसके अगेंस्ट वाला माइनस, और यस अगर हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस कर रहे हैं तो एडवांस एट द एंड जो होगा माइनस होगा। अब सर रीज़न, पहले रीज़न बताता हूँ फिर आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बताऊँगा। बहुत ही सिंपल है, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के पीछे एक ही रीज़न है, इनकम जनरेशन जानना एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी एग्जैक्ट इनकम कितनी हो रही है। जब भी फॉर्मेट की बात आएगी, फॉर्मेट पूरा लिखिएगा और तरीके से लिखिएगा, शॉर्टकट नहीं यूज़ करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास 12 से ये बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जरा देखो, यहाँ बताऊँगा आपको रीज़न। रीज़न किस चीज़ का बताने चल रहे हैं सर, रीज़न आपको बताने चल रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हम आउटस्टैंडिंग या बिगिनिंग का ट्रीटमेंट करते क्यों हैं और उसके पीछे का मेन लॉजिक क्या है। मैजिक पर काम नहीं करना। अब जरा देखो, कल मैंने आपको एक इमेज बताई कि हमें इस तरीके से कुछ काम करना है। हमारे पास बेसिकली तीन तरह के ईयर होंगे, जब भी हम कोई भी, चाहे वो फाइनेंशियल नेचर का हम ट्रांजेक्शन कर रहे हो या नॉन फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अगर पैसे की बात हो रही है तो तीन ईयर डेफिनेटली होंगे वहाँ पे, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और अपकमिंग ईयर, या ये कह लीजिए नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब जरा बात को समझना, यहाँ पर दो तरह के बैलेंसेज आपको मेंशन करने पड़ेंगे। इन शॉर्ट, हमारा जो करंट ईयर का बैलेंस है हमें सिर्फ और सिर्फ वही दिखाना होता है किसी भी तरह के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या यूँ कह लें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो होगा क्या कि दो तरह के आउटस्टैंडिंग होंगे, आउटस्टैंडिंग दो तरह के होंगे, साथ के साथ एडवांस भी दो तरह के होंगे। ये बात आपको क्लियर है, ठीक है जी। अभी इसको रिमूव कर देता हूँ, जो चीज़ बता रहा हूँ उसको अब बहुत आराम से समझना, ईजी टॉपिक है, आपको एक बार में क्लियर करेगा। आउटस्टैंडिंग दो होंगे और एडवांस भी दो होंगे आपके। अब बस दिमाग में आपको इतनी सी बात रखनी है कि हमारा जो पूरा ट्रीटमेंट चलेगा वो करंट ईयर पर बेस्ड होगा। अब आउटस्टैंडिंग का नेचर ये है, आउटस्टैंडिंग रिलेट करता है प्रीवियस ईयर से, ठीक बात है कि नहीं। आउटस्टैंडिंग किससे रिलेट करेगा, प्रीवियस ईयर से। हम बोलते हैं ना इट्स ड्यू, देना बाकी है, देना बाकी है का मतलब कि प्रीवियस ईयर में ड्यू था, अभी तक हमने नहीं पे करा, तो इस वजह से आउटस्टैंडिंग है। दैट्स वाई ये रिलेट करता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्रीवियस ईयर से, और एडवांस हमें सेलेक्ट करता है नेक्स्ट ईयर से। इतनी बात समझ आ रही है, तो अब जरा इस बात पर जोर दो, आपको सिर्फ इतना सा लॉजिक समझना है, जो छोटी बात है आप खट से क्लियर कर लोगे। देखो मैंने भी आपको बोला हमें करंट ईयर पर ही ध्यान देना है, ठीक बात है, उससे पहले क्या था उसके बाद क्या हुआ मतलब ही नहीं है। इन शॉर्ट अब जरा समझना, आउटस्टैंडिंग जो हमारा यहाँ का होगा वो प्लस करना है, एडवांस जो हमारा यहाँ होगा
वो प्लस करना है। इसको हमने आपको कल शॉर्टकट ट्रिक दी थी, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। एंड का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर ईयर का एंड ये होगा, ये हम ऐड कर रहे हैं, और एडवांस एट द बिगिनिंग, भाई ये बिगिनिंग का हो गया और ये एंड का हो गया। जब भी बात होती ईयर की, मतलब अप्रैल यहाँ से स्टार्ट होगा, मार्च यहाँ पर एंड होगा, ठीक है जी। तो एडवांस एट द बिगिनिंग, अगर आप देखो बिगिनिंग की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये वैल्यू यहाँ से रिलेट कर रही है, और अगर बिगनिंग की वैल्यू की हम चार्जेस की बात करते हैं तो हमेशा ये एक्सट्रीम भी जा रही है, मतलब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। एंड वैल्यू यहाँ पर और बिगनिंग, ये रहा आपका बिगनिंग, तो बिगनिंग की वैल्यू का आपको क्या करना है, बिगनिंग अंदर की तरफ है, ऐड कर लो। आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, एंड पे जा रहा है मार्च 31st, तो इसको भी आपने ऐड कर लेना है। सर ये तो समझ आ गया कि इसका पीछे लॉजिक क्या था, क्यों हम ऐड और माइनस करते थे। अब बात आती है सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है। सब्सक्रिप्शन मैंने भी आपको स्टार्टिंग बोला, ये है क्या, इनकम। यू ऑल नो कि हमारा जो मॉडर्न अप्रोच है उसका रूल क्या बोलता है, सर लाइबिलिटीज और इनकम के लिए एक बड़ा ही बेसिक सा रूल है, इनके इंक्रीज होने पे क्रेडिट करना है, डिक्रीज होने पे डेबिट करना है। एक तो तरीका ये तो हुआ कॉन्सेप्चुअल, जुगाड़ वाला भी बताता हूँ आपको। देखो हम यहाँ बात कर रहे हैं इनकम की, अगर हम बात करते हैं इनकम बैलेंसेस की, तो जो एग्जैक्ट बैलेंस है वो मेंशन करने के बाद, अब सिर्फ इतना ध्यान रखो इनकम है, हम इस वक्त इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम इंक्रीज होगी तो क्या करना है, क्रेडिट करना है, मतलब क्रेडिट साइड मेंशन करते जाएंगे। और अगर किसी ट्रांजेक्शन से इनकम डिक्रीज होगी तो हमें क्या करना है, ऑब्वियसली बात है अगर डिक्रीज हुई तो डेबिट कर देना। इतनी बात समझ आ रही। अब इस वैल्यूज़ को, इन्हीं चीज़ों को यहाँ ऐड करके चेक करो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख सकते हो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ऐसे मत लिखना, फुल फॉर्म ज़रूर यूज़ करना, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। यहाँ पर आप कुछ सिनेरियोज में आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ओपनली बोल रहा हूँ कर सकते हो, बट प्रोबेबली आपको यूज़ करना है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब जरा देखो इनमें से किन रीजंस की वजह से बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जो चीज़ें ऐड हो रही हैं उनको यहाँ पे भी आपको ऐड कर देना है। मतलब साफ है आप यहाँ पे प्लस माइनस तो नहीं लिख सकते ना, तो लिखोगे क्या, आपको सिंपली लिखना पड़ेगा बाई आउटस्टैंडिंग एट दी एंड ऑफ ईयर, लिख सकते हैं आप बिल्कुल। इसके बाद लिखेंगे आप बाई एडवांस एट द बिगिनिंग, ठीक है जी, ये बैलेंसेस हो जाएंगे। अब जरा ध्यान रखना हमें करना क्या है, अब ये जो दो हेड माइनस हो रहे हैं, जैसा मैंने अभी बोला अगर आपकी इनकम डिक्रीज होती है तो डेबिट करना है, इन दोनों हेड को डेबिट ले आओ। इसका मतलब साफ हुआ टू आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और टू एडवांस एट द एंड। इस तरीके से एट द एंड हमको निकालना है टू बैलेंस, कैरी डाउन कितना बैलेंस में बचा। ध्यान रखना अगेन बोल रहा हूँ ऐसे मत लिखना, होता क्या है मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ आपको पता लगे, एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करने से पहले आप पूरे, आज जो हमारे 70 डेज का चैलेंज चल रहा है ना, बिगेस्ट चैलेंज यूट्यूब हिस्ट्री, 70 दिन लगातार हम लोग क्लास लेने वाले हैं। पहले भी बोल चुका हूँ कि हम लोग ऑलमोस्ट सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसके बावजूद बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर इन्वेंट्री बता दो, डेप्रिसिएशन बता दो। मेरे भाई सब रखो, सब करेंगे, ठीक है जी। तो जरा देखो आप यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे BL डॉट नहीं, कंप्लीट बैलेंस कैट डाउन, ये पॉसिबल तभी होगा जब आप जो डेली प्रैक्टिस करते हो ना उस प्रैक्टिस में इस चीज़ को इन्वॉल्व करो। आप वहाँ पे मेंशन करो क्या लिखोगे आप, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही माइनर चीज़ है बट इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन जाएगा। इस पॉइंट पर अच्छे से काम कर लो, अगर अब आपको नहीं मज़ा आ रहा है इस पॉइंट पर काम करने में तो आप ध्यान रखो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होता है इतना, अब उसकी अगेंस्ट जो चीज़ें हैं उसको उसके हिसाब से ट्रीट कर दो। तो ये तो बात होगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट की। अब जरा बात कर लेते हैं आपके कुछ इलस्ट्रेशन जिनमें आपको डाउट था। चलिए अभी आप ले लीजिए अपना ICI का मॉड्यूल और ICI के मॉड्यूल से इलस्ट्रेशन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में बच्चों ने पूछा कि सर क्या ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, अरे क्यों नहीं आ सकता। आप एक बात ध्यान रखना ICI के मॉड्यूल का नेचर देखो, आप जो प्रीवियसली आपने इंटर में ग्रेजुएशन में जो भी राइटर की बुक पढ़ी है उन सब से वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। क्यों है सर ऐसा, कोई भी क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो प्रीवियस क्वेश्चन के पैटर्न से बिल्कुल मैच नहीं करता। ये इस बात का सबूत है कि अगर आपको इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ आ गए कॉन्सेप्चुअली, जैसा मैं अभी आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा था ना आउटस्टैंडिंग वाला सब्सक्रिप्शन का, अगर आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया तो क्वेश्चन कहीं से भी आए आप सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 से। आपको क्वेश्चन में दिया गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कुछ एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन के भी एडजस्टमेंट, और फिर आपसे बोला गया प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, तो सबसे पहली बात आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ
कि न्यूमेरिकल अकाउंट्स का प्रैक्टिस करते वक्त आपके पर्पस डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए कि भाई बनाना क्यों है। अगर नहीं पता तो आप ना बहुत सिली मिस्टेक करोगे। एग्जांपल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्यों बनाते हैं सर, रीज़न क्या है? ऑब्वियस सी बात है, सरप्लस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक बात है। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं सर, फाइनेंशियल पोजिशन को चेक करने के लिए। अब सवाल यहाँ पर है, रिसीट में पेमेंट क्यों बनाते हैं? तो रिसीट में पेमेंट बनाने के पीछे एक ही पर्पस है, कैश बैलेंस को चेक करने के लिए। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा और ज़्यादा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है उनको, सर जल्दबाजी मत सुनिए, क्योंकि कल की वीडियो में प्रॉपरली डिस्क्लोज करा था कि रिसीट में पेमेंट अकाउंट एज लाइक कैश बुक, तो आप एक बार फिर से चेक कर लेना। अब जरा देख लेते हैं आपके इस क्वेश्चन में। तो देखो आपको क्या करना है, हमें बताना है यहाँ पर कैश का बैलेंस। अब एक बात और, कैश का बैलेंस दो होता है, पहला होता है ओपनिंग बैलेंस और दूसरा क्या होता है सर, क्लोजिंग बैलेंस। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को इस लेवल पर रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने की भी टेक्निक होती है सर, जो नीड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, अदरवाइज आप एक अनसीन पैराग्राफ पढ़ोगे पेपर में, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहले क्वेश्चन को देखूंगा और मुझे एग्जैक्टली पता है, आपको भी पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैश नहीं लिखा होता, तो हम वहाँ नहीं देखेंगे, हम सीधे जाएंगे एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट पहला हेड है सब्सक्रिप्शन, मतलब वहाँ पर भी कैश नहीं हो सकता। हम और एंड पर जाएंगे और सिर्फ ये ढूंढेंगे कैश का ओपनिंग या क्लोजिंग में से कोई बैलेंस दिया है क्या। तो अब देखो सबसे लास्ट में क्वेश्चन लिखा गया, ऑन 31 दिसंबर 2016 कैश इन हैंड अमाउंट ₹1600। इसका सीधा सा मतलब है 31 मार्च बोल रहा है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो फाइंड आउट क्या करना है सर, ओपनिंग बैलेंस करना है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब इनमें से जो पॉइंट्स आपने पूछे हैं वो पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। एक बच्चे ने पूछा सर ओपनिंग बैलेंस कैसे 1390 आ गया। अरे भाई अगेन बात वही है, पर्पज हमारा है यही निकालना, तो हमें क्या करना है, देखो अगर आपका बैलेंसिंग की बात करो आप, इसको बहुत सिंपल रखो, दो साइड होते हैं, एक डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट होता है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें तो ये रिसिप्ट साइड हो जाएगा और ये आपका पेमेंट साइड हो जाएगा। अगर पेमेंट करने के बाद का बैलेंस आपको 1600 दे दिया है, मतलब ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, तो क्या करोगे, सारे हेड को लिखो, टोटल करो, इस टोटल में से इन सारे हेड को माइनस करो, अब जो बैलेंस आएगा अल्टीमेटली वो ओपनिंग बैलेंस 1390 हो जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन सबसे पहले देख लेंगे, सब्सक्रिप्शन की वैल्यू दी गई है 7500। अब वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो जरा देखो एंड आप डिसाइड कैसे करोगे, 2016 ईयर का बनाना है आपको, क्लियर है। तो अब आपको सिर्फ इतनी सी बात समझ, लिखा हुआ है अब इस पॉइंट को समझना, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज जाते हैं, आपको ये कर लेना है। अब इससे पहले 2015 होगा और उससे पहले 2017 होगा, है ना। आप इस ईयर को, टाइम मशीन है सर आपके लिए, सब्सक्रिप्शन में बहुत ज़बरदस्त काम करेगी। अब जरा ध्यान रखो आपको क्या करना है, अप्रैल टू मार्च चलना है। इसका सीधा सा मतलब है अगर कोई चीज़ आपकी यहाँ पे क्या होगा, मार्च 31 भी होगा ना 2015 का, अगर इस पर्टिकुलर डेट पर आपकी बैलेंस रह रही है, इसका सीधा सी बात क्या हुई, ये आउटस्टैंडिंग है इस पर्टिकुलर ईयर के लिए। अब जरा देखो लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2015 ₹600 आउटस्टैंडिंग है, क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। बट उसी के बाद देखो क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस 31 दिसंबर 2015। सर अगर आपको 31 दिसंबर को मिला है 2015 में, इसका सीधा सा मतलब है एडवांस है, वो भी बिगिनिंग पे है, क्योंकि हमारा 15 से 16 ये फाइनेंशियल ईयर है, असेसमेंट ईयर है। 15 में अगर एडवांस मिला मतलब बिगिनिंग पे है, और एडवांस एट द बिगिनिंग हमें करनी है। प्लस थर्ड पॉइंट देख लो, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2016। अब ऑब्वियसली बात है 2016 की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये हो रहा है आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग पे है तो हमें करना है माइनस, एंड वाला आप समझ गए होगे, एडवांस होगा एट द एंड होगा। अब एक पॉइंट यहाँ पे और है, वो भी चेक कर लियो आप, जो क्या लिखा गया, लिखते हैं इसमें आप, एक बच्चे ने पूछा था कि सर यहाँ पे सैलरी, अच्छा सैलरी हो या कुछ भी हो, एक बात ध्यान रखो कोई भी हेड होगा, एग्जांपल सैलरी आपके क्वेश्चन में है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड करना दिमाग में सेट करो, माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग आपको माइनस करना है। तो सिंपल रखो चीज़ों को, और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो करो। आज हमारा डे 4 है, जब हम लोग 70 डेज के चैलेंज में लगातार वीडियो ला रहे हैं, और आप लोग अप्रिशिएट करो, ये सबसे अच्छी चीज़ है। अब जरा देखो इसमें पार्ट दिया गया है जो मुझे आपको बताना है, लिखा हुआ है ओके, द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1st January 2016 वैल्यूड एट 2600। अब बात यहाँ पर ये है, ये जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 1st January को है 2016, मतलब ऑब्वियसली बात है ये भी फाइनेंशियल ईयर में है। बट आगे बोलते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट अमाउंट टू 2700। यार एक बात बताओ,
2600 रुपये हमारे पास था। डेप्रिसिएशन लगने के बाद एसेट्स की वैल्यू बढ़ने कब से लग गई? बात क्लियर हो रही? इसका सीधा सा मतलब है, अब जरा देखो डेप्रिसिएशन लगा कितना है इस पर। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आप देखोगे एक्सपेंडिचर वाले कॉलम में डेबिट साइड में सरप्लस के ठीक ऊपर है 300 रुपीज़। तो आपको क्या करना है, पहले इसमें से माइनस करना है, 2600 में से 300 माइनस करना है डेप्रिसिएशन, क्योंकि बोलता है ना आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो आपको लॉजिक समझ आएगा वो क्या है, 2600 में से लेस करेंगे जब डेप्रिसिएशन को तो इक्विपमेंट की वैल्यू होनी चाहिए 2300, बट हो कितनी रही है 2700। इसका सीधा सा मतलब है हम कर रहे हैं परचेज ऑफ इक्विपमेंट कितने का सर, जो डिफरेंशियल अमाउंट है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, 400 रुपीज़ का। ठीक है, और कौन सा पॉइंट आपने पूछा है? यस, बाकी ऑडिट फीस दी गई है उसको मेंशन कर लेना एज इट इज़। हाँ, ये ध्यान रखना जब आप परचेज कर रहे होगे तो यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर अकाउंट या पेमेंट अकाउंट तो इफेक्ट करेगा, साथ के साथ जो क्लोजिंग बैलेंस है वहाँ पे भी इसका अकाउंट का बैलेंस मेंशन करना है आपको। और जब क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे तो याद रखना जो बैलेंस एट द एंड आ रहा है वो लिखोगे। अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो कैपिटल फंड, यस क्वेश्चन रीड करते हो ध्यान रखो, आपने क्वेश्चन रीड करा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रीड करते हो तो हमें दो चीज़ें ढूंढनी है। पॉइंट नंबर वन, हमें ढूंढना है कैश का बैलेंस, मैं यहाँ इस वक्त बात कर रहा हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर टू, हमें ढूंढना है कैपिटल फंड, कौन सा, ओपनिंग वाला। ठीक है जी, अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं, दैट मीन्स हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेनी चाहिए, और ये बना के हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है कैपिटल फंड फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। अब एक सर एक सवाल ये भी आता है, देखो आपको ये चीज़ दिमाग में रख ही लेनी है कि जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लोगे वहाँ से आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश रिसीव होगा, मिल जाएगा। और आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन कितने स्टेप चले, आप क्वेश्चन को फिर से देख लो, आपने बोला है प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए, अगर कैपिटल फंड नहीं है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए कैपिटल रिक्वायर्ड है, मतलब हम बनाएंगे सबसे पहले नंबर पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड नंबर पर ओपनिंग बैलेंस शीट एंड थर्ड नंबर पर क्लोजिंग बैलेंस शीट। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन डेफिनेटली कंप्लीट होगा और कन्फ्यूजन ऐसी कोई बात तो नहीं रह जाएगी। अब इलस्ट्रेशन नंबर 7 की बात कर लें तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 8 को लेकर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा, सर इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा? मेरे भाई क्वेश्चन बड़ा नहीं है, हेड ज़्यादा है। एक बात मेरी समझ लो, दिमाग में सेट करो, आप पूरे क्वेश्चन में आपको क्या दिक्कत करेगा, आपको पूरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कुछ एडजस्टमेंट होंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। आपको मैं दे रहा हूँ छोटी सी ट्रिक, इसको यूज़ करो। आपको आज जब आप ये वीडियो देख लोगे उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन कोई भी हो, आइदर वो आपकी इस बुक का क्वेश्चन हो, रिविजन टेस्ट पेपर का हो, मॉक टेस्ट पेपर का हो, या फिर वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर का हो, हर बार नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन बना है 10 मार्क्स का। मेरी आपको छोटी सी सलाह है और इसको आपको सर ऑप्शन नहीं मानना ही है, अगर आप चाहते हैं कि आपका एनपीओ मस्त जाए बिल्कुल, ये 10 मार्क्स बिना कन्फ्यूजन के आपको मिले, क्या करो एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट डिफरेंट हैं, डिफरेंट का मतलब बताता हूँ क्या होता है। आपने इलस्ट्रेशन नंबर 5, 7, 8 रीड करा, उसमें सब में कोई एक एडजस्टमेंट ऐसा मिला आपको जो थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी सारे कॉमन एडजस्टमेंट से। कॉमन एडजस्टमेंट आपके लिए क्या होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट कॉमन है, अब जब आपको समझ आ गया, बट मेरी बात मानना, अगर वहाँ पे मेंबर्स और उनका अमाउंट आ गया थोड़ा सा डिफरेंट होगा ना, उसको लिखो, वो हो गया। सेकंड पॉइंट, अभी जैसे हमने ऑफिस इक्विपमेंट की बात यहाँ करी, तो ऑफिस इक्विपमेंट में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, हमको परचेज नहीं दिया था बट हमें मेंशन करना है। सर जब आप सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन देखते हो आपको ऐसा फील होगा मुझे सब आ रहा है, यकीन मानो पेपर में अंडर प्रेशर आके ये गलतियां हो जाती हैं। तो मेरी आपको सिर्फ इतनी सलाह, आप क्या करो सिंपली वो एडजस्टमेंट को सेपरेटली कॉपी में अपनी नोटबुक में नोट कर लो। और मैं ये भी लिख रहा हूँ 7 से ज़्यादा एडजस्टमेंट किसी बच्चे को नहीं मिलेगा जिसने एक्चुअली पढ़ाई करी है। तो 7 एडजस्टमेंट आपको चाहिए, वो ऐसे 5 या 7 एडजस्टमेंट जो बहुत एक्सट्रीम डिफरेंट है। अब वो आपको मिले तो आपको सिंपली लाइक आपने यह एडजस्टमेंट लिख लिया, ठीक है, और दो कॉलम बनाने, पहला कॉलम है एडजस्टमेंट का, ठीक है जी, एडजस्टमेंट का, सेकंड कॉलम होगा आपका ट्रीटमेंट का। सर मैं ट्रीटमेंट की जब बात कर रहा हूँ तो सिंपल है, अगर हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो ट्रीटमेंट कहाँ होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ट्रीटमेंट कहाँ होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं तो ट्रीटमेंट कहाँ होगा। एग्जाम्पल, अगर आपको ये बोला गया सब्सक्रिप्शन, तो एक बात दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर वाला शो करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट बना रहे हैं तो करंट ईयर मैटर नहीं करता, सारा शो करना पड़ेगा। ये बात कुछ छोटी छोटी चीज़ें, उनको आपको मेंशन करना है, ठीक है। अच्छा, इसका आपको ये भी लिखना है फिर, सब्सक्रिप्शन के जो आउटस्टैंडिंग और एडवांस है
वो इफेक्ट करते हैं बैलेंस शीट को। अब आपको ये समझना है, सब्सक्रिप्शन है इनकम, अगर आउटस्टैंडिंग है तो एक्रूड मिलना बाकी है, एसेट्स ट्रीट होनी चाहिए। अगर आपको एडवांस मिल गई, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अन कमीशन, अन इनकम, ये जो हेड होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं आपकी लाइबिलिटीज़ को, तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है। तो इतनी सी बात, क्या करना है, एडजस्टमेंट लिखने हैं, उनका ट्रीटमेंट उनके सामने लिखना है, उसके बाद जो मर्जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाओ और आपको वहाँ पर सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ अगर बात करी जाए तो ये आपको सिंपल सा इलस्ट्रेशन नंबर 8 में कुछ खास नहीं आपको। हाँ, एक बच्चे ने पूछा था ग्रांट कमीशन से रिलेटेड, यस गवर्नमेंट ग्रांट्स दी गई हैं, बिल्डिंग मेंटेनेंस फीस फ्रॉम सेंट्री 40,000 एंड पेटेंट के लिए 2,400। देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स का जो ट्रीटमेंट आपको क्वेश्चन में मिलेगा वो सिंपली जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा उस प्रॉपर्टी उस एसेट्स का, उस ओपनिंग बैलेंस में गवर्नमेंट ग्रांट किया, इसका सीधा सा मतलब आप एक एनपीओ हो, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, तो आपकी वो जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू उतने से एक्सीड कर देनी, बढ़ा देनी, सिर्फ इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना आपको। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन लगाते हो तो गलती मत कर देना कि पता लगा डेप्रिसिएशन के लिए आपने गवर्नमेंट ग्रांट ऐड करके तो डेप्रिशिएट किया, नहीं सर, एसेट्स पर डेप्रिसिएशन उसकी बुक वैल्यू पर चार्ज होता है, ना कि किसी सब्सिडी और गवर्नमेंट ग्रांट को ऐड करके। आई होप आपको क्लियर होगा। ये एड कर लेने के बाद एक काम मैं आपको और कहना चाहूँगा आज, क्योंकि इस बारे में डिस्कशन नहीं होता इन जर्नल, मैं देख रहा हूँ प्रीवियसली जितने भी पेपर अटैम्प्ट हुए उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 10 के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है। रीज़न, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से है, बिल्कुल डिफरेंट है, कैटेगरी ही डिफरेंट है, और जैसा मुझे लगता है आपको ये ज़रूर एक बार तो कन्फर्म रीड करना चाहिए। इस वक्त में जब हम अपने थर्ड रिवीजन फेज में होंगे तो हम इसे 2-3 बार कर चुके होंगे। आई होप आपको चीज़ समझ आ रही, मैं बोल क्या रहा हूँ, एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 10 पढ़ लेना, है बहुत ही सिंपल, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा साइज का है तो आपको लगता है ये पूछा जा ही नहीं सकता, बट हम ऐसा कभी भी हम प्री जज करके नहीं चलेंगे ICAI को। हमें क्या करना है, एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें करना है, सो दैट जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठो तो आपको कुछ कन्फ्यूजन सा ना क्रिएट हो और आपको लगे कि वाह यार ये तो हो जाएगा, है ना। तो ये आप कर लेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो सिर्फ 3 क्वेश्चन अवेलेबल हैं और तीनों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं, और आप में से किसी ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए कमेंट मेजॉरिटी ने नहीं करा था। अब बात आती सर आपके जून 2019 के क्वेश्चन पेपर की, तो देखो इसके लिए मैं आपको क्या करने वाला हूँ, बहुत ही बेसिक सा सस्ता सा सवाल था, इसका जो पूरा आंसर होगा टेलीग्राम पे आज पोस्ट कर दूंगा, आज पोस्ट कर दूंगा, आप एक बार ही चेक कर लेना। सिर्फ 2 वर्किंग नोट है वहाँ पे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट भी बहुत ही सस्ते तरीके से किया गया है, तो आई होप आपको समझ आ रहा है। NPO आज कंप्लीट कर लो। और एक बात, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको टेलीग्राम चैनल पर और क्या चीज़ चाहिए। तो नोट्स का जो इशू बन रहा है ना आपके साथ, नोट्स का टेंशन ना लो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी टाइम आपको चीजें दे सकूं, बट यस आपको 2 काम करने हैं जो अभी मैंने बोला। अब ध्यान रखो, कंक्लूड कर रहा हूं चीजों को। पहला काम, आपको एडजस्टमेंट आज की आज आइडेंटिफाई कर लेना है सर, आई होप आपको क्लियर है। पहला एडजस्टमेंट जो डिफरेंट है, एंड पॉइंट नंबर 2, पहला एडजस्टमेंट है, लिख दे रहा हूं जिससे आपको याद रहे, पहला एडजस्टमेंट है, एंड पॉइंट नंबर 2 पे जाके हमें क्या करना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एनपीओ, ठीक है जी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट का NPO। ये 2 क्वेश्चन आज करिए, मिलता हूँ कल अगेन आपकी बैच के टाइम पे शाम 6 बजे, तब तक के लिए शानदार रहो, पढ़ते रहो।